क्या स्वाद है, मतलब आउटस्टैंडिंग, वाह। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे आज वैशाली को हो क्या गया। तो गाइस, बात कुछ ऐसी है कि मैंने सोचा एक ही वीडियो देख देख के आप लोग थोड़ा सा बोर हो गए होंगे, रिव्यू हॉल या कोई टिप्स या फिर DIY। तो मैंने सोचा आज को थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। तो आज मैं आप लोगों के सामने ना अपनी फेवरेट चाय बताने वाली हूँ कि मेरी फेवरेट चाय कौन सी है। आप लोगों को पता ही है कि बीइंग अ पहाड़ी, चाय तो मतलब हमारे खून में ना, जो शरीर का जो खून होता है उसमें चाय दौड़ती है। तो जो चाय है ना, हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक मतलब मस्ट वाली चीज़ हो जाती है। तो मैं बस यही चाय टेस्ट करी थी, मैंने सोचा चलो आज का जो वीडियो है यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी मेरी फेवरेट टी। एक्चुअली मैं आप लोगों को जैसे पता ही होगा कि मैं हमेशा ना अपनी चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे वो मेकअप हो, चाहे वो ड्रेसेस हो, चाहे वो कलर हो, या फिर कोई भी चीज़, चाहे वो टेस्ट ही क्यों ना हो। स्पेशली अगर मेरे टेस्ट बर्ड्स की बात करी जाए तो मुझे ना अच्छी अच्छी चीज़ें कुछ नया ट्राई करने का बहुत ज़्यादा शौक है। अपने लिए एक टी ऑर्डर करी, मैंने सोचा कि जो रेगुलर टी मैं यूज़ कर रही हूँ उसको थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। क्योंकि मुझे चाय की अगर बात हो ना, तो मुझे बिल्कुल कड़क वाली चाय पसंद है, और कॉफ़ी से ज़्यादा मुझे चाय पसंद है। आई डोंट नो वाई, मैं एक अनोखी हूँ ऐसी या क्या, बट मुझे कॉफ़ी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं जितनी ज़्यादा मुझे ये चाय पसंद है। और ये जो गाइस, ये जो ब्रांड है, इट इज़ फ्रॉम ब्रांड ऑरिक, और ये है मसाला टी विद मोरिंगा। तो ये जो चाय है ना, ये चाय बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। एक्चुअली इस चाय को यूज़ करते करते ऑलमोस्ट मुझे 1 वीक हो चुका है। मैंने सोचा कि इसका एक रिव्यू लेके आप लोगों के सामने आ जाती हूँ। क्यों मैं आप लोगों के सामने हमेशा मेकअप या DIY की ही बात करूँ, आज थोड़ा सा कुछ अलग घरेलू सा कुछ हो जाए। तो मैं ये टी मैंने परचेज करी, और ये जो टी है ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इसकी ना पैकेजिंग दिखा देती हूँ। तो गाइस, इसकी जो पैकेजिंग थी कुछ मुझे इस तरीके की कार्डबोर्ड में मिला था, और जो ये कार्डबोर्ड है मतलब बहुत ही, जब मेरे पास ये आया तो फिर मैंने बहुत ही सेफ्टी के साथ इसको लेने के बाद सैनिटाइज कर लिया। देन इसके बाद मैंने इसको कुछ इस तरीके से ओपन करा है सीजर से, एंड इसके अंदर से ही निकला है ये मसाला टी विद मोरिंगा। तो गाइस, ये जो ऑरिक की जो मसाला टी विद मोरिंगा है, इसमें ना बहुत अलग अलग से वैरायटी भी है। ऐसा नहीं है कि इनके पास सिर्फ यही थी, बहुत सारी भी थी, बट मुझे मसाला टी ट्राई करनी थी। वो ओपन करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसमें से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मतलब इस टी का जो अरोमा है ना बहुत ही अच्छा है। मतलब आप जब इसका ओपन ही करेंगे ना, तभी आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो ये तो मतलब इसकी एक खास बात थी। जब होती है मसाला टी की, तो फिर हमारे चेहरे में बहुत अच्छी सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि मसाला टी की बात करते ही ना मतलब एक शरीर में ऑटोमेटिकली ताजगी सी आने लगती है। मसाला टी किसको नहीं पसंद होती, किसको नहीं पसंद कि उसकी चाय में अदरक इलायची कूट कूट के भर भर के डाली जाए, और वो उसका स्वाद ले, गले तक उसका बिल्कुल मजा आए। तो ये जो चाय पत्ती है, इसमें आप लोगों को 7 ऐसे ही स्पाइसेस का ब्लेंड मिलेगा। ये स्पाइसेस ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जिसमें सिनेमन, क्लोव्स, कार्डमम, जिंजर, ब्लैक पेपर, तुलसी एंड स्टार एनिस का ब्लेंड है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज और बताती हूँ कि ये इंग्रेडिएंट लिखा हुआ है ऑरिक मसाला टी विद मोरिंगा। तो गाइस, ये जो मोरिंगा है, मोरिंगा असल में होता क्या है, हम लोग सांबर खाते हैं, सांबर में जो वो होता है ना सहजन जिसको बोलते हैं, या फिर उसको ड्रमस्टिक कहा जाता है इंग्लिश में, वो होता है। उसके जो लीव्स होती हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है, उसकी ऑक्सीजन प्रॉपर्टीज होती है। अगर नॉर्मल से अगर मैं आप लोगों को शब्दों में बताऊं, तो फिर जो दूध में जितना कैल्शियम होता है, उससे 17 गुना ज्यादा कैल्शियम आप लोगों को मोरिंगा लीव्स में मिलेगा। पालक से आपको 7 गुना ज्यादा आयरन आप लोगों को मोरिंगा में मिलेगा। तो ये चाय ना सिर्फ टेस्ट के मामले में, बल्कि ये आप लोगों की हेल्थ के मामले में भी बहुत ही ज्यादा लाजवाब चाय है। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इसको बनाना कितना ज्यादा आसान है। जैसे आप रेगुलर टी बनाते हैं, वैसे ही आपने इसको बनाना है। थोड़ा सा पानी, पानी जैसे ही उबलने लगे उसके बाद आपने डाल देना है 1 चम्मच तेल आपने डाल देनी है। तो चाय पत्ती आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना मसाला डाल रखा है। अब जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि घर में इतने सारे मसालों को पीसना कितना ज्यादा झंझट का काम होता है, और आप लोगों को तो इसमें 7 स्पाइसेस मिल जाएंगे। तो आप लोगों ने बस इसका 1 चम्मच लेना है, इसमें डालना है, और इसके बाद आपने थोड़ा सा इसको उबाल मारने देना है। इसके बाद आप इसमें थोड़ी सी चीनी डालेंगे, और जब वो खोल जाए तो उसके बाद आपने इसके ऊपर डाल देना है दूध। आप चाहे तो इसको एज अ ब्लैक टी भी इसको पी सकते हैं, बहुत ही अच्छा वाला टेस्ट इसका आता है।
नहीं तो आप लोग इसको इसके ऊपर आप थोड़ा सा मिल्क डालिए, मिल्क के बाद इसको थोड़ा सा बॉईल होने दीजिए और वाओ आप लोगों की चाय बिल्कुल रेडी है। आप लोग इनके मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आप लोगों को बहुत तरीके की बेवरेजेस मिलेंगे, ड्रिंक्स मिलेंगे, तो आप लोग वहां से इजीली और भी अलग अलग तरीके की जो जूसेस वगैरह है आप लोग वहां से ट्राई कर सकते हैं। ना सिर्फ इनके पास चाय पत्ती का एक अच्छा कलेक्शन है, कॉफी के अगर आप लवर हैं, कॉफी लवर हैं, चाहे आप जूसेस के लवर हैं, तो फिर आप लोगों को वहां पे बहुत अच्छी वैरायटी मिल जाएगी। तो इनकी जो वेबसाइट होगी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। आप लोगों को बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा लाजवाब और अच्छी लगने वाली है। तो गाइज यही था मेरी आज की वीडियो में, कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना, और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, और हाँ इस चाय को ट्राई जरूर करना। बाय।